तो वहां से एक एल्गोरिथम नया बना था, आप लोग पढ़ोगे, एक ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, मैं बताऊंगा उसके बारे में भी कभी आपको, एल्गोरिथम ठीक है होता है ऐसा कई बार, ठीक है। इस उनका नाम आ गया था, बच्चे का भी था अपने स्टूडेंट का नाम होता है, ऐसे भी कई बार डिस्कशन से भी कुछ ना कुछ निकल गया जाता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, ये यही प्रोफेसर ही बता रहे थे जिनका मैंने अभी आपको दिखाया था, दिल्ली वाले, IIT दिल्ली, आईटी ठीक डेली सीएससी है। देखो बच्चे इधर ध्यान से, ए प्लस बी माइनस एक्स को आप लोगों, इसने बोला क्या, इसका मतलब समझो, ये कहना चाहता है कि ए से बी इंटीग्रेशन कर दो एफ एक्स डी एक्स को, तो ए से बी चाहे आप ए प्लस बी माइनस एक्स को भी कर दोगे तो सेम आएगा, ये इसका कहने का मतलब मतलब है। एफ ए प्लस एफ बी ऐसे कुछ मतलब ये डन करोगे? ही आपने कर दिया, हाँ मतलब एक्स की जगह मैंने क्या सेम पुट कर दिया, ए प्लस बी माइनस प्लस एक्स, तो ये एक्स कहना चाहता वो है सेम एरिया सेम ही है आएगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सेम आएगा दोनों का। देखो मैं ये प्रूफ करूंगा, ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी टफ कह सकते हो, इसमें देखो मैं सॉल्व करके प्रूफ करता हूँ, पुट ए प्लस बी माइनस एक्स को टी मान लो, ऐसे मानते हैं ना हम लोग इसको, क्या मान लेते हैं, टी डिफरेंशिएट करें, कांस्टेंट है, जीरो होगा, इसका भी जीरो जीरो होगा, माइनस वन माइनस वन आएगा, और उसका डी आएगा अपॉन डीएक्स, डीएक्स माइनस डीएक्स इक्वल टू डीटी, माइनस डीएक्स इक्वल टू क्या आ गया, डीटी, तो डीएक्स की जगह माइनस डीटी, डीएक्स इक्वल टू आ गया माइनस डीटी, जहां डीएक्स माइनस डीटी आया तो आप डीएक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, माइनस डीटी, माइनस डीटी पुट कर दोगे। कोई डाउट है किसी को, पुट करें व्हेन, अभी तक ध्यान दो, व्हेन एक्स इक्वल टू ए, जब एक्स क्या है, ए है, व्हेन एक्स इक्वल टू ए, दिस इंप्लाइज टी इक्वल टू बी, जब एक्स ए होगा, जब एक्स क्या होगा, ए होगा, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो टी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, बेटा एक बात ध्यान रखना, लिमिट भी चेंज हो जाएगी, जब एक्स की लिमिट यहाँ क्या थी, ए थी, तो टी की लिमिट भी आपको चेंज करनी होगी फिर, क्योंकि अब आप उसकी जगह टी पुट करने जा रहे हो। फिर से मैं बताता हूँ, एक्स की जगह जब ए था तो टी की वैल्यू क्या आ गई, बी आ गई, ये नहीं समझाया कैसे आया, चलो जब एक्स इक्वल टू बी है तो यहाँ से टी की वैल्यू निकालो, एक्स इक्वल टू ए, टी की वैल्यू क्या आ गई, यानी कि लिमिट आपकी चेंज हो गई है, लिमिट आपकी चेंज हो गई है, मेरा मतलब समझो कहने का, अब जहां मैं इस पूरे की जगह तो टी पुट कर दूंगा, कोई खत्म कहानी नहीं है, डीएक्स की जगह माइनस डीटी पुट कर दूंगा, क्योंकि माइनस डीटी आया हुआ है मेरा, अरे ठीक है, लेकिन ए से बी लिमिट अब नहीं चलेगी, अब लिमिट चलेगी बी से ए, क्योंकि जब एक्स इक्वल टू ए था टी क्या था, बी था, जब एक्स इक्वल टू बी था टी क्या था, यानी कि लिमिट भी चेंज करती है जब आप उसमें वैल्यू, ये डेरिवेटिव नहीं है जिसमें आप टी ले लेते थे इंडेफिनिट में, ऐसा करते थे आप सीधा सीधा ले लेते थे यहाँ, लेकिन लिमिट भी चेंज करेंगी, आगे समझ में, लिमिट भी आप चेंज करोगे अगर आप इसको टी मान रहे हो। कोई डाउट है, बता सकते हो भाई, कोई डाउट वाला है जल्दी बताओ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जहां पे मुझे ये दिखाई देता है इसकी जगह क्या पुट करूंगा, टी करूं जरा, तो ये आएगा एफ टी, और डीएक्स की जगह माइनस डी टी आएगा, और ए से बी लिमिट पुट करने की जगह मैं बी से ए पुट करूंगा। कोई डाउट बता सकता है बच्चा कोई, अब बी से ए ये आ गया मेरा एफ टी डी टी आया, लेकिन बी से ए इसको इंटरचेंज कर ही सकता हूँ क्योंकि माइनस का, बिल्कुल एक मिनट लिख लेना मुझे, ये आ गया एफ टी डी टी, अब इसको चेंज कर दूं, ए से बी इंटीग्रेट कर दूं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया, आ गया होगा समझ में। और आपने ये भी पढ़ा है कि डमी वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, कोई डाउट है तो बता दो। नो सर, ठीक है, यानी कि किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के, इसका लिमिट चेंज हो रहा है तो इसका भी लिमिट चेंज होगा, मतलब जिसको आप टी मान रहे हो, जब एक्स की एक्स था तब लिमिट था ए से बी, जब टी होगा इसको जब टी मान लोगे तो आपकी ये वाली लिमिट भी क्या करेगी, चेंज कर जाएगी, आ रहा समझे, और मैंने बी से ए ले ली थी, और बाद में मैंने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल ही आ जाएंगे, ये रुपये यहाँ प्रूफ कर दिया मैंने, आ गया समझ में कि नहीं, अब नहीं आ गया, कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा डमी वेरिएबल, कोई नहीं फर्क पड़ रहा है, कोई डाउट है। इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा टफ से होते हैं वो इसी से किए जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आता है इवेलुएट, ये क्वेश्चन बहुत आता है इस टाइप के, मतलब कंफ्यूज करने के लिए, लोग डर जाते हैं उसको देख के कि यार कैसे करें। देखो इंटीग्रेशन देता है वो साथ में पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री तक, कहां तक, पाई बाय थ्री तक, पाई बाय थ्री, ठीक है, और अंडर रूट साइन एक्स, ऊपर क्या है अंडर रूट साइन एक्स, और अपॉन में क्या है अंडर रूट साइन एक्स, क्या है बच्चे, साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, यही है, और यहां कौन है डीएक्स, ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करें भाई, करें ये इंटीग्रल दिया है आई दिया है, कौन है ये आई, आई इसको इंटीग्रेट करें, पुटिंग एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखना, एक्स की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, पाई बाय सिक्स प्लस पाई बाय थ्री माइनस टी, यानी कि वही कहानी फिर से जहां हमने पीछे बोला था ए प्लस बी माइनस टी माइनस टी, ये वाला बात वही है, आपने इसको इधर भेज दिया, इसको भेज दिया, बात देखिए ना, एक्स की जगह आपने ये पुट कर दिया, उसे तो फर्क नहीं पड़ेगा, पाई बाय सिक्स प्लस पाई बाय
थ्री माइनस टी, ये आपने पुट कर दिया है। अरे भाई ठीक है, ये पूरा जुड़ के क्या आएगा ये बताओ भाई, लिमिट को जोड़ के किया यार, क्या किया भाई एक मिनट, यहाँ क्या था लिमिट आपकी क्या थी, ऐसे भी तो a प्लस बी यहाँ कौन है पाई बाय सिक्स है, यहाँ कौन है पाई बाय थ्री, दोनों को जोड़ा और माइनस टी कर दिया, इसको उधर भेज दिया, इसको उधर भेज दिया, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, यानी कि x की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ ना जी, पाई बाय टू माइनस टी, ये पूरा कौन है पाई बाय टू, अरे करो ना एलसीएम लो पाई बाय टू थ्री, हाँ क्या जाएगा थ्री पाई प्लस सिक्स पाई नाइन पाई, थ्री पाई अपॉन सिक्स आएगा और वो होगा पाई बाय टू, वही तो बोल रही है डिवाइड होने के बाद, ठीक है माइनस टी नाइन अपॉन एटीन, ये आ गया एक्स इक्वल टू पाई बाय टी, पाई बाय टू माइनस टी, कोई डाउट है अभी बोलो क्या हो गया, अभी डिफरेंशिएट करें इसको, डिफरेंशिएट इसका क्या होगा वन और इसका क्या होगा पाई बाय टू का डिफरेंशिएशन जीरो, कॉन्स्टेंट है माइनस डी टी होगा डीएक्स, तो डीएक्स इक्वल टू माइनस डी टी, डीएक्स यहाँ से आ जाएगा माइनस डी टी, और जहां dx माइनस dt के इक्वल आया कहानी खत्म। अब आपने जहां जहां आपको कुछ दिख रहा है, देखो पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री था ना ये, हाँ ये भी देखना होगा ना मुझे क्या आएगा, ये भी चेक कर, t की वैल्यू भी तो निकालनी होगी, लिमिट चेंज होगी कि नहीं होगी, लिमिट चेंज होगी बिल्कुल होगी यार, लिमिट चेंज होने वाली मेरी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखो पाई बाय सिक्स पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ पाई बाय सिक्स, तो ये उधर चला जाएगा माइनस पाई बाय टू, तो वैल्यू पुट करके चेक करो ना टी की वैल्यू निकालो, चलो एक्स की जगह क्या पुट किया आपने पाई बाय सिक्स, जब एक्स क्या था पाई बाय सिक्स था, तो टी की वैल्यू निकालो, टी इधर आ जाएगा माइनस पाई बाय थ्री, पाई बाय टू में से पाई बाय सिक्स माइनस हो जाएगा, तो बेटा सिक्स पाई बाय थ्री फोर पाई बाय ट्वेल्व सिक्स कितना बता रहे थ्री आएगा सही है ना, तो टी इक्वल टू पाई बाय थ्री आ गया, जब आपने एक्स की मतलब लिमिट चेंज हो रही है हमारी, जब आप एक्स को क्या पुट करोगे पाई बाय थ्री पुट करोगे तब आप टी की वैल्यू निकालो, जरा पाई बाय थ्री हम जब पुट करेंगे पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय टू, ये तो कट गया दोनों, पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स आ जाएगा, अभी नहीं आ रहा समझ आ गया आपको है ना, अब देखो बेटे यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, लिमिट चेंज कर दूं मैं पाई बाय सिक्स की जगह क्या आ जाएगा पाई बाय थ्री, पाई बाय सिक्स थ्री की जगह पाई बाय सिक्स आ जाएगा, और जहां एक्स है उसकी जगह मैं पुट करूंगा एक्स की जगह पाई बाय टू माइनस टी पुट करूंगा, अरे यार ठीक है, अंडर रूट के अंदर आएगा साइन पाई बाय टू माइनस टी अपॉन ये आएगा अपॉन अंडर रूट साइन पाई बाय टू माइनस टी प्लस कॉस पाई बाय टू माइनस टी, ये आएगा प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाय टू माइनस टी, ये आएगा और डीएक्स की जगह माइनस डी टी निकाला ना मैंने, तो माइनस बाद लिख दूं और साइन चेंज करोगे प्लस हो जाएगा पाई बाय थ्री, इन दोनों की वैल्यू भी सेम आएगी, और ये बताओ बच्चों कि साइन नाइनटी माइनस थीटा क्या होता है कॉस टी, कॉस टी होता है, अरे भाई ठीक है कॉस टी डायरेक्ट, ये आ जाएगा अंडर रूट कॉस टी, बेटे मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग जो बोल रहे हैं इंटरचेंज हो जाएगा, प्रूफ थोड़ी ना कर रहे हैं हम, तो वैल्यू निकाल रहे हैं इसकी, प्रूफ थोड़ा ना हमारा अपॉन अंडर रूट कॉस टी प्लस अंडर रूट साइन टी, अंडर रूट साइन टी यहाँ साइन टी आएगा सर, और यहाँ क्या आएगा डीटी, और माइनस का साइन तो चलेगा, चला गया बस, और वो आप करना चाहते हो तो कर दो, कर ही दो अच्छा लगेगा, पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री, और अब आप इंटीग्रेट कर रहे हो किसको अंडर रूट कॉस टी अपॉन अंडर रूट कॉस टी प्लस अंडर रूट साइन कॉस टी प्लस अंडर रूट साइन टी को, ठीक है और यहाँ कौन आएगा डीटी है ना, कौन सी प्रॉपर्टी से वन और टू यूज कर ली दोनों आपने, दोनों यूज कर लिया, डमी वाले और एक इंटरचेंज वाले, बिल्कुल इसको बेटे ये बताओ, इसको मैं इस वाली को इक्वेशन टू मान लू, जो सबसे पहली वाली थी उसको वन मान लू, ये वाली कोई डाउट है, ये भी आई है और ये भी तो आई है, तो चेंज करता जा रहा मैं, तो आई और आई दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ, इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, इन दोनों को ऐड करूं, आई और आई जब जुड़ेंगे तो टू आई आ जाएगा, और टू आई जब आएगा डिनोमिनेटर सेम है, खुशी की बात, डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, इधर दिखाओ जरा यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर क्या है सेम है, अच्छा मैंने डमी वेरिएबल चेंज नहीं किया, टी की जगह आप एक्स लिख सकते हो, सॉरी बेटे मैंने चेंज नहीं किया, मतलब डमी वेरिएबल तभी तो सेम बनेगा, तभी ये कॉस एक्स आ सकता है यहाँ भी, तो कट के वन आएगा वन अपॉन टू, बिल्कुल वन आएगा क्योंकि सेम हो गया वो एड हो गया ना, बिल्कुल आ गया समझ में आपको, ये वाला और ये वाला दोनों जुड़ जाएंगे है ना ऊपर ऊपर, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन में क्या जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन, वही आएगा तो ये वन हो गया और आई का अपॉन टू चला गया वन बाय टू, ये डीएक्स और ये पूरा कट गया तो एक्स आया इसका इंटीग्रेशन, इस पूरे का एक्स आएगा, एक्स आएगा वन का एक्स ही होगा, आई इक्वल टू एक्स बाय टू आ जाएगा, यस सर, लेकिन लिमिट रहती है, रुक जाओ एक मिनट, लिमिट रहती है पाई बाय, हां तो पाई बाय सिक्स से पाई बाय थ्री था, एक्स अभी रुक जाओ, अभी नहीं टू भेजोगे आप, अभी नहीं भेजोगे आप,
लिमिट पहले पुट करोगे, ऐसे नहीं कि बच्चे गलती कर देते हैं, ऐसे नहीं, अभी नहीं, जब तक सॉल्व नहीं हो जाता। तो पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय सिक्स क्या आएगा बेटे? माइनस पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री, पाई बाय सिक्स क्या कर रहे हो? पाई बाय सिक्स आएगा, टू पाई बाय थ्री सर, पाई बाय थ्री आएगा, सॉरी पाई बाय थ्री आएगा, सॉरी पाई बाय थ्री आएगा, तो अब भेज देंगे तो पाई बाय सिक्स आ जाएगा, अब आएगा पाई बाय सिक्स, क्योंकि गड़बड़ लग रहा है मुझे। पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय सिक्स, तो यहाँ एलसीएम लोगे सिक्स, टू पाई माइनस पाई, तो पाई बाय सिक्स आएगा, क्या करा रहे हो यार? अच्छा ऐसा लग रहा है यार, पाई बाय सिक्स आएगा, ठीक है, मैंने सही लिखा था, फिर टू पाई बाय ट्वेल्व आ जाएगा, ट्वेल्व आएगा, ये आंसर है बेटे, कितना ऐसे करते हैं, इजी है ना, आप लोग सारे निपटा सकते हो अब ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि इस प्रॉपर्टी का यूज देख रहे हो कितना है, है ना, इवेलुएट, और आपको बोलता है माइनस पाई बाय फोर से लेके पाई बाय फोर तक आप इंटीग्रेट करो, है ना, इसको इंटीग्रेट करना है, किसको करना है, लॉग लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना है, ठीक है बच्चे, रिमूव करते हैं, ठीक है, आप ही ध्यान दो, लेट इसको आई मान लें, आई या बाद में मानो, मैंने पहले मान लिया इसको, क्वेश्चन में ही मान लिया मैंने, है ना, आप भी मान लो, ठीक है भाई, कोई डाउट, सही चल रहा है बेटे, कोई प्रॉब्लम है? देखो बेटे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिख रहा है ना, इसको मैं रूट टू से मल्टीप्लाई और रूट टू से डिवाइड, ठीक है, तो ये आएगा लॉग रूट टू, फिर अंदर आएगा वन बाय रूट टू इंटू साइन एक्स प्लस प्लस वन बाय रूट टू इंटू कॉस एक्स, आ गया होगा समझ, ठीक है, ये बेटे फॉर्मूला बन गया, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस पाई बाय फोर है ये, कॉस ए इंटू साइन पाई बाय फोर है ये, आ गया समझ में, तो ये बन गया लॉग रूट टू साइन एक्स प्लस पाई बाय फोर, अरे क्या हो गया, क्या साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या प्रॉब्लम है, सही से आया, सही है, हाँ साइन ए प्लस बी का लगाया मैंने, क्योंकि इसका इजी है ज्यादा सॉल्व, अब एक्स प्लस पाई बाय फोर को मैं थीटा मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, थीटा, थीटा, तो एक्स प्लस पाई बाय फोर को जहां मैंने थीटा माना, टी भी मान सकते हो, ज्यादा हम टी मानते हैं, टी भी मान सकते हो, थोड़ा अच्छा लगता है यार एंगल को थीटा ले लो, अरे ठीक है एंगल है ना, तो थीटा मानना ज्यादा सही लगता है, आ जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी थीटा, इसका डिफरेंशिएशन वन होगा, इसका जीरो होगा, इसका आएगा डी थीटा ओवर डी एक्स, उधर चला गया, इसका वन होगा और ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी थीटा, जहां dx इक्वल टू dt है ये पूरा थीटा हो गया, इसकी कहानी वैसे खत्म होगी, यानी कि अब ये बताओ बच्चों कि हम इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर रहे थे, अब आपने एक और काम करना है, तो थीटा की लिमिट भी तो चेंज होगी, वही तो जो हम इंटरचेंज वाला भूल जाते हैं लोग, ये भूल जाते हैं, पहले माइनस पाई बाय फोर पुट करो इसमें, जरा जीरो जीरो आएगा, जब x क्या था पाई बाय फोर, तो थीटा क्या आ रहा है जीरो, जब x था माइनस पाई बाय फोर तो थीटा आ रहा है जीरो, जब x हमारा पाई बाय फोर तो थीटा आएगा पाई बाय टू, आ गया होगा समझ, आ गया होगा, तो लिमिट कहां से कहां तक लगाऊंगा मैं, वेरी गुड, जीरो से पाई बाय टू, और इजी हो गया, और फिर पाई बाय टू से पाई बाय फोर, नहीं नहीं बस खत्म है ना, लिमिट लग गई हमारी लॉग, हाँ बिल्कुल, और इस पूरे की जगह ये आ जाएगा लॉग रूट टू, लॉग रूट टू साइन थीटा, थीटा माना हुआ है यार उसको, साइन थीटा, फिर पूरे का क्या आ जाएगा डी थीटा, क्योंकि डीएक्स किसके इक्वल है, डी थीटा, लिमिट भी आपने चेंज कर दी है, कर दी है ना लिमिट चेंज, लिमिट हो गया ना, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को बताओ भाई, हाँ जी क्या कह रहे हो, लिमिट चेंज, लिमिट चेंज हो गई हमारी, सही है ना यहाँ तक, देखो बेटे अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ जीरो से पाई बाय टू, पता भी नहीं लगेगा कब आईआईटी का सिलेबस खत्म हो जाएगा, उस पेपर भी हो जाएगा आईआईटी का आपका, पता भी नहीं चलने देंगे, देखना आपको इतना धीरे धीरे से आराम से करा देंगे सर, ठीक है, ठीक है, पता भी नहीं लगेगा, जल्दी से टेंथ खत्म हो जाए, दो तीन महीने बचे हैं बस, देखो बच्चे होगा क्या, अब आपने क्या करना है, ये बताओ कि लॉग रूट टू साइन थीटा, इसको मैं क्या करूँ, लॉग एम एन का फॉर्मूला, लॉग एम इंटू एन, तो वो होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, यानी कि आ जाएगा लॉग रूट टू प्लस लॉग साइन थीटा डी थीटा, सही लिखा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, नो सर, डी थीटा, अभी बता दे, जीरो से पाई बाय टू, सही लिखा है हमने, फॉर्मूला लगाया यार, सही है, अब देखो बेटे मैं क्या करता हूँ, सब बच्चे इधर ध्यान देंगे, इसकी टू की पावर हाफ है ना ये, यस सर, हाफ को बाहर निकाल लेता हूँ, हाफ लॉग टू आ जाएगा ये, है ना, ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, जीरो से पाई बाय टू प्लस, फिर इंटीग्रेशन अंदर भेजेंगे, भेजना आता है ना, जीरो से पाई बाय टू लॉग साइन थीटा डी थीटा, लगा दो जहां लगाना चाहते हो, यहाँ लगा दो डी थीटा, ये तो बेचारा पूरा पूरा ही कॉन्स्टेंट है,
पूरा पूरा ही कॉन्स्टेंट है, ये पूरा पूरा ही कौन है, ये पूरा पूरा ही बेचारा बाहर आ जाएगा, पूरा ही कॉन्स्टेंट पूरा, ठीक है, तो आ जाएगा लॉग टू अपॉन टू। बेटे अगर एक्स होता तो होता ये तो बेचारा कॉन्स्टेंट, बाहर निकालो इसको, यस सर, और फिर जीरो से पाई बाय टू डी थीटा, इंटीग्रेशन डी थीटा बस डी थीटा हम बिल्कुल हो जाएंगे, बस थीटा बचेगा, थीटा बचेगा और फिर जीरो से पाई बाय टू लिमिट लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे, फिर इंटीग्रेशन इसका तो बता दो, हाँ सॉल्व भी कर दो इसको, लॉग साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताओ, माइनस कॉस वन अपॉन साइन थीटा, क्या ऐसा होता है, वन अपॉन साइन थीटा नहीं, वन अपॉन एक्स का लॉग होता है, लॉग मॉड एक्स होता है, हाँ वो होता है, इसका क्या होगा, तो साइन थीटा को नीचे भेज दो ना, माइनस का हो जाएगा, हाँ जी तो कहाँ भेज दो, कुछ नहीं, हाँ जी कुछ नहीं, साइन थीटा को लॉग एक्स का फॉर्मूला तो मैंने बताया हुआ है आपको, लॉग एक्स आईलेट का यूज करके, आईलेट का जब आप यूज करोगे, लॉग एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या निकाला था अभी हमने, लॉग एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, ये था कुछ याद है, एक्स लॉग एक्स आया कि कुछ और आया, एक बार दोबारा देखो भाई, इसको गलती की है लगता है, होने के बाद मैं आंसर ही लिख देता हूँ, यहाँ आएगा माइनस पाई बाय टू लॉग टू, क्या आएगा, चलोगे माइनस पाई बाय टू लॉग टू, और इसका अगर आप करोगे तो ये थीटा थीटा होगा, तो आएगा लॉग टू अपॉन टू, और ये थीटा आएगा, थीटा कहां से कहां तक, जीरो से पाई बाय टू, और इसका आएगा माइनस पाई बाय टू लॉग टू, ये तो लिख दिया आपने, और ये होगा बेटे लॉग टू अपॉन टू, और थीटा पाई बाय टू माइनस जीरो पाई बाय टू आ जाएगा, तो ये आएगा लॉग टू पाई तो बाहर आ गया, अरे भाई ठीक है, और अपॉन फोर, ठीक है, माइनस पाई बाय टू लॉग टू, ये आ गया बेटे, तो इसको सॉल्व कर लेना, इसमें से इसको माइनस करेंगे, लॉग टू कॉमन आ जाएगा, पाई बाय टू भी, हाँ माइनस वन बाय फोर सॉल्व होने के बाद पाई लॉग टू आएगा, ये आएगा बेटे, समझ आ गया,